जी नमस्कार, मैं संवाद थिएटर ग्रुप चंडीगढ़ से मुकेश शर्मा बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि आज पूरा देश ही नहीं, अभी तो पूरा संसार कोरोना नाम की महामारी से लड़ रहा है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि इससे बचने का यही एक तरीका है। उसके अलावा आप पर्सनल अपने आप को सैनिटाइज करके रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, बार बार हाथ धोते रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, डेवलप करें। इसके लिए आप विटामिन सी का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी टैबलेट या जिस भी हमारे सोर्सेज में पाया जाता है, जैसे फूड में विटामिन सी पाया जाता है, उसका प्रयोग करें। और जैसे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, ये शब्द भी हमारा नहीं है, हमारे भारतीय संस्कृति का नहीं है। हमने कभी कभी भी सोशल डिस्टेंसिंग में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये बीमारी ही ऐसी है कि जिसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब शारीरिक यानी फिजिकल रूप से डिस्टेंसिंग करके रखना है, दूरी बना के रखनी है, लेकिन मानसिक रूप से आपस में जुड़े रहना है, एक दूसरे को मोटिवेट भी करना है, हेल्प भी करनी है, और हाथ ना मिलाएं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि फिजिकल दूरी रखनी है, तो हमारी परंपरा तो पहले भी हाथ मिलाने की नहीं है। राम राम करें, नमस्ते करें। हमारे जो बुजुर्ग थे पहले भी, उन्होंने इस चीज को समझते हुए इस तरह के नियम बनाए थे। हमें वापस वहीं जाना पड़ेगा, हम जितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन हमें अपने भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए अपना ध्यान रखना है। हमें जल्दी से ठीक होना है, कोरोना को हराना है। धन्यवाद।